फिल्मी टॉक के एक नए वीडियो में आपका स्वागत है। बात करें आज की सबसे बड़ी खबर की तो रजनीकांत की मच अवेटेड फिल्म जेलर 2 से एक बड़ी अपडेट है। आपको बता दें कुछ मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो कहा जा रहा है कि रजनीकांत की फिल्म जेलर 2 का ऑफिशियल टाइटल हुकुम होने वाला है। ऑफिशियल तो नहीं है तो देखना होगा कि इस फिल्म को लेकर मेकर्स द्वारा ऑफिशियल अपडेट कब तक आती है। और वहीं कहा जा रहा है कि डायरेक्टर नेल्सन दिलीप कुमार इस फिल्म का प्री प्रोडक्शन जून 2024 से स्टार्ट कर देंगे और रजनीकांत इस फिल्म की शूटिंग डायरेक्टर लोकेश कनगराज डायरेक्शन में बन रही फिल्म थलाइवर 171 की शूटिंग को कंप्लीट करने के बाद स्टार्ट करेंगे। और ज्यादा चांसेस है कि रजनीकांत की ये फिल्म हमें 2025 के लास्ट क्वार्टर या 2026 में सिनेमा घरों में देखने को मिलेगी। और वहीं बात करें थलाइवर 171 की तो कहा जा रहा है कि अभी रजनीकांत डायरेक्टर लोकेश कनगराज के साथ मिलकर थलाइवर 171 के प्रोमो को शूट कर रहे हैं। और आपको बता दें थलाइवर 171 का टाइटल टीजर हमें 22 अप्रैल 2024 को देखने को मिलेगा। तो आप क्या कहना चाहेंगे सुपरस्टार रजनीकांत और उनकी आने वाली फिल्मों के बारे में? जब ठोकना होता है तो मैं बात नहीं करता, बस ठोक देता। और वहीं डायरेक्टर नितेश तिवारी की रामायण से लेकर एक बड़ी अपडेट है। आपको बता दें कुछ मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो कहा जा रहा है कि रामायण के प्रोड्यूसर नमित मल्होत्रा रामायण को ग्लोबल मार्केट में रिलीज करने के लिए हॉलीवुड की जानी मानी प्रोडक्शन कंपनी वार्नर ब्रदर्स से बात कर रही है। और अगर सब कुछ सही जाता है तो नितेश तिवारी की रामायण हमें हॉलीवुड में भी देखने को मिलेगी। आपको बता दें अभी डायरेक्टर नितेश तिवारी रामायण फिल्म की शूटिंग कर रहे हैं और कहा जा रहा है कि मेकर्स इस फिल्म की ऑफिशियल अनाउंसमेंट रामनवमी के दिन यानी 17 अप्रैल 2024 को करने वाले हैं। तो आप क्या कहना चाहेंगे डायरेक्टर नितेश तिवारी और उनके डायरेक्शन में बनने वाली रामायण के बारे में? प्रभास की मच अवेटेड फिल्म राजा साहब से एक बड़ी अपडेट है। आपको बता दें कुछ मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो कहा जा रहा है कि इस फिल्म में संजय दत्त एक भूत का कैरेक्टर प्ले करने वाले हैं। ऑफिशियल तो नहीं है तो देखना होगा कि इस फिल्म को लेकर मेकर्स द्वारा ऑफिशियल अपडेट कब तक आती है। आपको बता दें प्रभास की फिल्म राजा साहब एक हॉरर एक्शन इंटरटेनर फिल्म होने वाली है जिसे डायरेक्टर मारुति डायरेक्ट कर रहे हैं। और वहीं इस फिल्म में हमें प्रभास के साथ मालविका मोहन, निधि अग्रवाल, रिद्धि कुमार और संजय दत्त लीड रोल में देखने को मिलेंगे। ऑफिशियल तो नहीं है पर कहा जा रहा है कि प्रभास की ये फिल्म हमें संक्रांति 2025 में देखने को मिलेगी। प्रतीक गांधी की आने वाली फिल्म खुले के एक नए पोस्टर को रिलीज किया गया है। आप यहां पर इस पोस्टर को देख सकते हैं। आपको बता दें फुले एक बायोपिक ड्रामा फिल्म होने वाली है जिसमें हमें प्रतीक गांधी महात्मा ज्योतिराव फुले के कैरेक्टर में और वहीं पत्र लेखा इनकी पत्नी सावित्री बाई फुले के कैरेक्टर में देखने को मिलेंगी। और वहीं इस फिल्म को डायरेक्टर अनंत नारायण माधवन डायरेक्ट कर रहे हैं। आपको बता दें अभी तक इस फिल्म के रिलीज डेट को अनाउंस नहीं किया गया है पर मेकर्स ने कहा है कि ये फिल्म हमें 2024 में ही सिनेमा घरों में देखने को मिलेगी। तो देखना होगा कि प्रतीक गांधी की इस फिल्म की रिलीज डेट क्या होती है। 2024 में ही रिलीज हुई सुपरहिट मलयालम फिल्म प्रेमालू ओटीटी प्लेटफॉर्म में रिलीज हो चुकी है। आपको बता दें आप इस फिल्म को हॉटस्टार में बाकी साउथ वर्जन के साथ हिंदी में भी देख सकते हैं। आपको बता दें यह फिल्म एक रोमांटिक कॉमेडी फिल्म है जिसे लगभग 3 करोड़ के बजट में बनाया गया था और इस फिल्म ने वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस पर 140 करोड़ का कलेक्शन किया है। तो अगर आप भी इस फिल्म का इंतजार कर रहे थे तो आप इस फिल्म को हॉटस्टार में देख सकते हैं। बात करें बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की तो अजय देवगन की फिल्म मैदान ने अपने रिलीज के दूसरे दिन में इंडियन बॉक्स ऑफिस पर 3 करोड़ का नेट कलेक्शन किया है और इसी के साथ मैदान ने 2 दिनों में इंडियन बॉक्स ऑफिस पर 10 करोड़ 10 लाख रुपए का नेट कलेक्शन और 12 करोड़ का ग्रॉस कलेक्शन किया है। और वहीं मैदान ने 2 दिनों में ओवरसीज बॉक्स ऑफिस से 3 करोड़ का कलेक्शन किया है और इसी के साथ मैदान ने 2 दिनों में वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस पर 15 करोड़ का कलेक्शन कर लिया है। आपको बता दें अजय देवगन की फिल्म मैदान को लगभग 100 करोड़ के बजट में बनाया गया है। तो देखना होगा कि इस फिल्म का लाइफ टाइम बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कितना होता है। आज मैदान में उतरना क्या रहा लेकिन दिखना एक। वहीं अक्षय कुमार और टाइगर श्रॉफ की फिल्म बड़े मियां छोटे मियां ने अपने रिलीज के दूसरे दिन में इंडियन बॉक्स ऑफिस पर 7 करोड़ 60 लाख रुपए का नेट कलेक्शन किया है और इसी के साथ इस फिल्म ने 2 दिनों में इंडियन बॉक्स ऑफिस पर 23 करोड़ 25 लाख रुपए का नेट कलेक्शन और 27 करोड़ 65 लाख रुपए का ग्रॉस कलेक्शन कर लिया है। और वहीं इस फिल्म ने 2 दिनों में ओवरसीज बॉक्स ऑफिस पर 16 करोड़ 65 लाख रुपए का कलेक्शन किया है और इसी के साथ बड़े मियां छोटे मियां ने 2 दिनों में वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस पर 44 करोड़ का कलेक्शन कर लिया है। आपको बता बड़े मियां छोटे मियां को लगभग 350 करोड़ के बजट में बनाया गया है। तो देखना होगा कि इस फिल्म का लाइफ टाइम बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कितना होता है। वैसे आपको बता दें इस फिल्म के रिलीज होने के पहले इस फिल्म के प्रोड्यूसर ने कहा था कि बड़े मियां छोटे मियां वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस पर 1100 करोड़ का कलेक्शन करेगी। तो आपको क्या लगता है क्या सच में ये फिल्म अपने लाइफ टाइम में वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस पर 1100 करोड़ का कलेक्शन कर पाएगी या नहीं? मरने की एक्टिंग कर रहा था। देख कैसे मर रहे हैं तेरी एक्टिंग देख के।
आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको फिल्मों से जुड़ी छोटी मोटी अपडेट जाननी हो तो आप हमें सोशल मीडिया पर फॉलो कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।